हेलो गाइस, कैसे आप लोग? सब लोग बस बढ़िया हो रहा है, बढ़िया है तो का स्वागत है कैसे कुंडू फैस वीडियो में। यार भाई लोग, तो कैसे यहाँ पे देख सकते हो यार, कैसे अपना जो कि स्कोर हो चुका है 45,546 स्कोर हो चुका है। और कैसे आज कुंडू में बात करने वाले बेस्ट टॉप 5 गन कॉम्बिनेशन के बारे में बताने वाले यार, जिसमें से कुछ स्नाइपर वाले प्लेयर हैं जिसको स्नाइपर चलानी आती, और कुछ प्लेयर ऐसे जिनको स्नाइपर चलानी नहीं आती उनको, मतलब दोनों के लिए बेस्ट टॉप 5। और गाइस एक ग्रैंड मास्टर फुसिंग के लिए गाइस, और आप लोग तो जानते हो गाइस, अभी ग्रैंड मास्टर फुसिंग में गन कॉम्बिनेशन डैमेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गरीना ने गए जो कि डैमेज है पता हो आपको, तो 5000 डैमेज कर दे, अगर आपका 5000 डैमेज होगा तभी फुल प्लस मिलेगा, समझो ना वो कितना ज़्यादा डैमेज, 4 से 5000 डैमेज। और गाइस उनमें से 10 किल तो मिनिमम चाहिए, 10 नहीं तो 7-8 में फुल प्लस मिलता है, 3-4 किल में कुछ नहीं होता। तो गाइस आज के टाइम भाई वो बताने वाले यार भाई लोग आप लोग को टॉप 5 बेस्ट गन कॉम्बिनेशन के बारे में यार गाइस। तो गाइस हम सोच रहे हैं सबसे पहले अपन लोग बात कर लेते हैं यार गाइस, जो स्नाइपर प्लेयर चलानी नहीं आती उनके बारे में बात कर लेते हैं यार वाले, मतलब यार जो स्नाइपर प्लेयर को, मतलब जिनको स्नाइपर चलानी नहीं आती, तो गाइस उनको जिसको स्नाइपर चलानी नहीं आती वन पे गए, टॉप वन पे है गाइस, टॉप वन पे। अब आप लोग सोच रहे हो M4A1 जेड नहीं है क्या, AC-80 बता रहा हूँ, जी हाँ गाइस टॉप वन पे गए AC-80 और गाइस UMP बहुत तगड़ा है। तो गाइस इसका भी मैं गाइस मतलब इस टॉपिक बता देता हूँ कि टॉप वन पे क्यों रखा गया मैंने, क्योंकि गाइस मैं तो गाइस अपने हिसाब से बताऊँ तो मैंने टॉप वन पे इसलिए रखा क्योंकि गाइस M4A1 जेड आप लोग चलाते हो गए, आप लोग ने देखा होगा जब वो फोर या थर्ड का बेस्ट पड़ता है ना तो पता आपको कितना डैमेज देता है भाई साहब, इतना कम डैमेज देता है ना फोर और थर्ड का बेस्ट में भाई लोग, करके 12-12, 14-14 का डैमेज चलता है, इतना डैमेज में होता है। बट AC-80 400 से ज़्यादा नहीं लेती, चाहे थर्ड का बेस्ट होता है फोर का बेस्ट हो, 400 में बंदे को पहल देती है, जैसे पहला 40 से 50 आता है अगर फोर का बेस्ट है, फिर 80 आएगा और फिर 100 प्लस जाएगा अगर 30 का 14 शॉट। तो सबसे तगड़ा कॉम्बिनेशन है AC-80 और गैस UMP गैस, मेरे हिसाब से गैस मैं मेरा बता रहा हूँ सबसे तगड़ा होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं सबसे तगड़ा है कि नहीं, बट गैस मैं तो बोलूँगा सबसे तगड़ा है गैस ये फर्स्ट नंबर पर, मैंने इस लिस्ट को फर्स्ट नंबर पर रखा है AC-80 और UMP गैस, बहुत तगड़ा चलता है गैस, इससे हेड भी चलते हैं, बट गैस मेरे को M4A1 जेड बिल्कुल नहीं लगता है गैस। और गैस सेकंड नंबर पर भी बता देता हूँ गैस, सेकंड नंबर पर भी नहीं है M4A1 जेड। अब आप लोग सोच रहे हो भाई क्या है सेकंड नंबर पर भी नहीं, जी हाँ गैस सेकंड नंबर पर भी नहीं है M4A1 जेड। सेकंड नंबर पर गैस आपको क्या लेना है गैस VSH जेड और गैस MP40 गैस, ये भी बहुत तगड़ा चलता है, भले इसका डैमेज कम होगा लेकिन M4A1 जेड से जल्दी बंदे को पील देता है, जब VSH जेड चलता है ना इसका डैमेज इतना देर तक आता है गैस, आपको मैं बता देता हूँ गैस, थोड़ा देर रुको गैस आपको मैं सब कुछ बता देता हूँ। तो गैस फाइनली यार गैस जो कि यार गैस अपनी 3 चिप परचेस कर लिया भाई लोग, 3 चिप जैसे परचेस किया यार भाई लोग, अभी चलो यार गैस ट्रेनिंग ग्राउंड में, आप लोग को बता देता हूँ गैस क्या ही तो चलता है, मतलब यार गैस चलता है VSH जेड। अभी आप लोग देख सकते हो जैसे एक बंदा उतरा गैस उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, दूसरा बंदे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज है गैस, एक बंदे को टाइम भी नहीं देती, बॉल भी डाल देगा ना फिर भी किल आ जाएगा। VSH जेड गैस जो कि अपना सेकंड नंबर पर गन कॉम्बिनेशन में आता है गैस, बहुत ही तगड़ा गन चलता है गैस VSH जेड, देख सकते हो गैस कि आज मतलब बंदे को टाइम ही नहीं दे रहे गैस, और गैस इसका डैमेज गैस 3 से 4 बार तक आएगा, देखो यार गैस अभी भी डैमेज आता है बंदों का, एक सबसे तगड़ा गैस सेकंड नंबर पर, इसलिए मैंने रखा VSH जेड। और MP40 तो बहुत तगड़ी चलती है आप लोग को पता है शॉर्ट में, और गैस VSH तो यार बहुत ही तगड़ी चलती है, देख सकते हो तो चल रहा है गैस VSH यार बहुत ही OP वाला। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पर, तो यार तीसरे नंबर पर तो आप लोग को पता है M4A1 जेड गैस, जो कि गैस अपना तीसरे नंबर पर गन कॉम्बिनेशन है, और गैस M1887 गैस, M1887 लवर तो जानते हो गैस, M1887 कितना तगड़ा चलता है यार, बहुत ही OP वाला M1887 चलता है, बहुत ही डेंजर चलता है M1887 गैस, M4A1 जेड भी चलता है, बट अभी अभी आप लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में चलो गैस, M4A1 जेड मैंने तो गैस पहले तो यार अभी देखो यार 19 का डैमेज कर, ये सिर्फ सेकंड की बेस्ट भी 19 का डैमेज दिया भाई लोग, थर्ड फोर का बेस्ट पड़ता है ना तो 12-14 का डैमेज देता है, कैसे चलेगा भाई 12-14 में गैस वाला गैस, मैंने इसलिए रखा मैं M4A1 जेड जब भी चला तो मेरे को खुद AC-80 वाला बंदा पील के चला जाता जब मेरे पास बॉल नहीं रहता, अब भाई बॉल नहीं रहेगा तो बॉल जा नहीं पाऊंगा गैस, AC-80 वाला पील के चला जाता है भाई लोग। और गैस इसका हेड भी कितने का खेलता है पता, 45 से 50 का हेड, इतना कम हेड खेलता है भाई इसका, बस ये इसलिए मैंने थर्ड नंबर पर रखा है। और M1887 भी अच्छा चलता है, बट M1887 तो आप लोग को पता है भाई मतलब थोड़ा घटा दिया, तो इसलिए मैंने इसको थर्ड नंबर पर रखा है M1887। और M4A1 ये भी बढ़िया गन है, बट यार इसको थर्ड नंबर पर रखा, सबसे तगड़ा है गैस AC-80 और UMP, फिर गैस VSS और MP40 बहुत तगड़ा चलता है, M4A1 बहुत तगड़ा चलता है, लेकिन आप लोग को लास्ट जोन फाइट में नहीं आएगा कम, ये आएगा फर्स्ट जोन फाइट में, ये भी बहुत तगड़ा चलता है, ये देख सकते हो यार बहुत ही ओपी चलता है। तो गैस अब हम बात कर लेते हैं जो कि स्नाइपर प्लेयर है उनके लिए यार गैस स्नाइपर प्लेयर के लिए, तो गैस चलिए यार गैस अपन लोग बैक चलते हैं लॉबी में, गैस सबसे तगड़ा जो कि मैं बता देता हूँ स्नाइपर प्लेयर के लिए गैस MP5 जेड, और गैस ये देख सकते हो यार गैस क्या बोलते हैं इसको
AWM सबसे तगड़ा कॉम्बिनेशन है यार गाइस, MP5 जेट और AWM बहुत ही तगड़ा कॉम्बिनेशन है गाइस। इससे मतलब बंदे को इतना सा भी टाइम नहीं मिलता गाइस, बंदा ग्लू ही नहीं डाल पाएगा और गाइस आप लोग फेल दोगे यार गाइस। अभी आप लोग सोच रहे होगे गाइस अभी मैं सब कुछ बताने वाला हूं, मतलब यार बहुत तगड़ा चलता है गाइस MP5 जेट और गाइस AWM तो यार बहुत ही तगड़ा कॉम्बिनेशन है यार भाई। मैंने खुद चलाया यार भाई, जब यार गाइस वो मिशन आता था ना अपन लोग उसको फोड़ते थे, तो गाइस मैं ये दोनों का लेता था। इतना तगड़ा कॉम्बिनेशन है, मतलब जितने बंदे को भी मारता हूं टाइम ही नहीं मिलता गाइस बॉल डालने का। MP5 150 डबल डैमेज AWM और गाइस AWM का स्किन तो हर मिलियन पास हुआ क्योंकि ग्लिच आया था, तो मतलब यार गाइस ग्लिच हो गया था यार गाइस। वाउचर अनलिमिटेड मिल रहे थे 4-5 घंटे के लिए, एक दिन के लिए सॉरी पूरा। तो गाइस ये देख सकते हो गाइस बहुत तगड़ा चलता है गाइस। अभी आप देखो मैं लॉन्ग रैंक से फायदा ले रहा हूं ताकि आपको रैंक गेम चल रहा है ऐसा सब आपको समझ आए। देखो ये 178 मिला तुरंत AWM का कल कर। देखो सामने वाला एक और बंदा गाइस उसने अपन लोग को देख लिया और वो भाई AWM के शॉट में फेल दिया उसको अपन लोग ने। और क्या देख सकते हो गाइस यहां पे एक और बंदा आ चुका था जिसने अपन लोग को देख लिया, सामने पे एक और बंदा आ गया था तो गाइस उसका किल बोलेगा बट अपन लोग उसको फेल दिया होगा। एक और बंदा था गाइस उसने दो गोली मारा अपना गाइस ओनली 10 एचपी बचा था क्या यूपी तरीके से। फिर गाइस एक और लौंडिया मिलती देखो बहुत मतलब उधर भाई टाइम ही नहीं देता यार भाई, बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा है भाई। आप लोग खुद देख सकते हो अभी सामने पे एक प्लेयर देख सकते हो 165 मारा गाइस, ये देखो मतलब ग्लू डालने का टाइम नहीं मिलता। अब हम बात कर लेते हैं गाइस सेकंड गन कॉम्बिनेशन के बारे में। अब आप लोग सोच रहे हो अगर गाइस कान 90 तो फर्स्ट पर आना चाहिए और गाइस मैं दो लेवल का ले जाता हूँ क्योंकि 3 लेवल का कन पे बहुत ज़्यादा 6 मुश्किल ही मिलता है, नहीं मिलता टोकन भी नहीं रहता, तो मैं रैंक के हिसाब से बता रहा हूँ भाई। अभी आप लोग सोच रहे हो कान 90 मैंने यार गाइस 1 लेवल पे मतलब यार गाइस टॉप 1 पे क्यों नहीं रखा टॉप 2 पे क्यों रखा, क्योंकि गाइस कान 90 भाई ऐसा होता है कि कभी कभी 2 शॉट में भी नहीं मरता बंदा और 3 शॉट में भी नहीं मरता। यहाँ पर तो सब ट्रेनिंग में 2 लेवल का वेस्ट है इसलिए गाइस वो 2 शॉट में मर रहा है, बट जब वहाँ पर रैंक के गेम में जाओगे ना 3-4 लेवल का वेस्ट पहनोगे तो गाइस 2 शॉट में बहुत ही कम बंदा मरता है, 3 शॉट में मरता है। तो गाइस ये लेकिन बंदे को ग्लू डालने का टाइम दे देती, लेकिन जो कि मैंने AWM MP5 बताया था गाइस वो कॉम्बिनेशन बंदे को ग्लू डालने को मतलब ग्लू डालने का टाइम देती नहीं है वालों। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो गाइस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना भाई लोग, सब लोग से दिल से रिक्वेस्ट है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार भाई लोग, अगर सब लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना यार भाई लोग।